गाइस, कैसे आप सब? वेलकम टू अवर चैनल। आप सब के लिए नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग पीएचडी एडमिशन 23 एंड 24। अगर आप इंडिया से पीएचडी करना चाहते हो इंडिया के सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी ऑफ सिक्किम द्वारा पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है फॉर 23 एंड 24। आइए देखते हैं। एडमिशन 23 एंड 24 पे क्लिक कीजिए। इधर नोटिस लिखा है उस पर क्लिक कीजिए। नोटिस देखने के पहले कुछ चीज़ें देख लेंगे। इसमें क्या बोला आपको कि प्रोस्पेक्टस आपको अच्छे से रीड करना है, वो भी फॉर्म फिलिंग के पहले। इसमें सब कुछ डिटेल में दिया कोर्स के बारे में, ड्यूरेशन, कैपेसिटी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैटेगरी के बारे में सब कुछ। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, इधर वेबसाइट दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए। आपको पूरा गाइड किया हुआ है इस पर। और वेरियस कोर्स जैसे बी एस सी वाले लोग के लिए भी दिया हुआ है इधर वेबसाइट। और हेल्पलाइन नंबर की बात करें, मतलब उनसे अगर कांटेक्ट करना है तो नंबर दिया हुआ है। टाइमिंग 9:30 से 5:30 तक है, मंडे टू फ्राइडे, हॉलीडे छोड़ के। एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबमिशन ऑनलाइन मोड में करना है, पेमेंट भी ऑनलाइन ही रहेगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें लास्ट डेट जो 27 मई मिडनाइट पीएचडी, अभी तो एप्लीकेशन फ़ी के साथ भी सेम है। और एप्लीकेशन फ़ी की बात करें 1000 रहेगा जनरल, 750 ओबीसी ईडब्ल्यूएस, 500 एससी एससी पीडब्ल्यूडी एंड डीए। और एक बार जब भी किसी आपको फॉर्म भरना, सबसे पहले एडमिशन नोटिस अच्छे से रीड कर लेना, प्रोस्पेक्टस भी, और जो गाइड दिया पिक्टोरियल गाइड वो अच्छे से देख लेना। और एक बार आपको स्कैन फ़ोटो लगेगा, वो भी पासपोर्ट साइज़ का, और फोटो उसे रिसेंट होना चाहिए कलर फोटोग्राफ के साथ। डायमेंशन 200 से 230 पिक्सल, साइज़ है लेस देन 3 MB, फॉर्मेट JPG होना चाहिए। सिग्नेचर की बात करें, वाइट प्लेन पेपर पे होना चाहिए, वो भी क्लियर होना चाहिए। और डायमेंशन जो 200 से 800 पिक्सल, साइज़ जो है लेस देन 3 MB, और फॉर्मेट JPG होना चाहिए। और जो रही बात स्कैन कॉपी रहेगी, आपकी जो सर्टिफिकेट मार्कशीट वगैरह रहेगा, उसका भी साइज़ 3 MB तक लिमिट दिया, भी फॉर्मेट JPG दिया हुआ। और रही बात आप जो अच्छे से वेरीफाई कर लेना, सबको अच्छे से डिटेल अच्छे से भर लेना, कुछ भी अगर एरर वगैरह आया तो आपको सीधा कॉन्टैक्ट नंबर पर इनसे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। और रही बात आपको जो कलर प्रिंट आउट लेना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म का, वो अपने पास रखना फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। और रही बात आप अंडरटेकिंग कर रहे हो कि आपने फॉर्म अच्छे से भर दिया, सब कुछ करेक्ट है, और ये मैं मतलब आप खुद वेरीफाई करो करेक्ट है, अगर कुछ भी रॉन्ग हो तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। सो ये पूरा दिया हुआ है। अभी हम नोटिस पे आते सीधा। ये इन्होंने एडमिशन नोटिस निकाला हुआ है, ये ओपन हुआ। एडमिशन नोटिस निकाला फॉर वेरियस डिपार्टमेंट, कौन कौन सा, आर्थ्रोपोलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री, कॉमर्स है, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट का निकाला हुआ है, सोशियोलॉजी का। और ये बात आपको पीएचडी का एप्लीकेशन फॉर्म भरना है तो वेबसाइट दिया हुआ है। लास्ट डेट पहली बता दिया गया 27 मई अभी टिल मिडनाइट। और ये बात आपको प्रोस्पेक्टस अच्छे से रीड कर लेना है। आइए प्रोस्पेक्टस देखते। प्रोस्पेक्टस ओपन हो रहा है। प्रोस्पेक्टस से पूरा इसमें डिटेल्स दिया हुआ है। सो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, पहले बता दिया गया है। प्रोस्पेक्टस में देखो, पहली बात तो पहला यूनिवर्सिटी के बारे में, अथॉरिटीज़ के बारे में, एडमिशन के बारे में। तो हम सीधा एडमिशन नोटिस पर जाएंगे, पेज नंबर 10 पे। सर ये बात करें स्कूल ऑफ स्टडीज़, तो 6 स्कूल ऑफ स्टडीज़ है, उसमें उनका क्या कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दिया है। जैसे कि आप अगर जियो जोग्राफी साइकोलॉजी में अप्लाई कर रहे हो तो उसका डीन का नाम दिया, ईमेल और फ़ोन नंबर दिया। सेम अगर आप लैंग्वेज में ट्राई करो, लिटरेचर में भी, चाइनीज़, इंग्लिश, हिंदी में, तो उनका डीएन का और ईमेल और फ़ोन नंबर सब कुछ दिया हुआ है। और अगर लाइफ साइंस में अप्लाई करें तो डीएन का नाम दिया हुआ है, ईमेल और फ़ोन सब कुछ दिया हुआ है, ये सब आप देख सकते हो। और रही बात करें एडमिशन कैलेंडर की, मतलब एडमिशन कब से, अभी जो आपका एडमिशन नोटिस 25 अप्रैल को ही आ गया, प्रोस्पेक्टस अपलोड हो चुका 27 अप्रैल को ही, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका, पहले बता दिया। डाटा जो अरेंजमेंट होगा DSW ऑफिस से, और 29 मई से 1 जून तक होगा। और एप्लीकेशन सबमिटेड ऑनलाइन वेरिफिकेशन जो भी आपने अपलोड डॉक्यूमेंट का किया है, 5 जून से 7 जून तक रहेगा। एलिजिबल पीएचडी कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो 9 जून को आ जाएगी। रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू ऑफलाइन होगा, आपको इनके कैंपस पर जाके देना है। रिटर्न टेस्ट का डेट जो है 15 से 16 जून तक है, इंटरव्यू का भी सेम 18 से 19 जून तक है। फिर फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी उसका 23 जून का, फिर उसका फी पेमेंट हॉस्टल एडमिशन जो 24 से 27 जून तक। सेम सेकेंड का भी आएगा, वो भी 28 जून से,
और रही बात फी पेमेंट जो 29 से 30 जून तक। और रही बात नोटिफिकेशन वेबसाइट अभी किसके लिए वैकेंसी सीट का, भी SC ST वालों के लिए 3rd से 14 जुलाई तक रहेगा। और आपका जो भी है एडमिशन जो है बंद हो जाएगा, मतलब लास्ट एडमिशन जो स्टार्ट हो जाएगा, मतलब एक तरह से कोर्स का PhD का 7 अगस्त से चालू हो जाएगा। ये एडमिशन नोटिस है वेबसाइट पूरा दिया हुआ है। और रही बात एलिजिबिलिटी की बात करें, आपका 2 ईयर मास्टर डिग्री होना चाहिए रिलेवेंट एलाइड सब्जेक्ट में, और MPHL भी होना चाहिए एटलीस्ट 55% से। और अभी 5% रिलैक्सेशन SC और ST OBC वालों के लिए। और अभी जो भी कैंडिडेट एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। और एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो पहले ही बता दिया मैंने। और ये बात आप एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट अप्लाई करने तो कर सकते, लेकिन मैक्सिमम उसने 3 डिपार्टमेंट बोला है। और रिटर्न एग्जामिनेशन और इंटरव्यू जो कंपलसरी तो है ये PhD प्रोग्राम के लिए, लेकिन जिनका UGC CSIR NET GATE सीट जो भी नेशनल लेवल का उन्होंने टेस्ट एग्जाम मतलब पास किया है उनको रिटर्न टेस्ट नहीं देना, सीधे उनको इंटरव्यू के लिए बैठना है। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, आपका जो PhD का एग्ज़ाम है 100 मार्क्स का होगा, 70 मार्क्स जो आपका रिटर्न का होगा, 30 मार्क्स जो आपका इंटरव्यू का होगा। उस बेसिस पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, उस पर आपका नाम आएगा। और जिन्होंने 50% एंट्रेंस टेस्ट में लाया है वो एलिजिबल रहेंगे, जो और SC ST OBC का 5% रिलैक्सेशन है 45%। और रिजर्वेशन की बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉब्स के हिसाब से फॉलो होगा। और अब जिन्होंने मतलब जो बच्चे रिटर्न टेस्ट पास कर लिए बाद में जो इंटरव्यू के एलिजिबल है उनका फिर बाद में उनको फिर सीधा इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा भी नंबर ऑफ़ PhD सीट्स एवेलेबिलिटी के हिसाब से। और एग्ज़ाम डेट की बात करें, जैसे आप ग्रुप ए में 10 AM से 12 AM रहेगा, कौन सा सब्जेक्ट डिपार्टमेंट है बॉटनी केमिस्ट्री कंप्यूटर ये सब है। रिटर्न टेस्ट की बात करें 15 जून को है, और इंटरव्यू जो है सबका सेम है ग्रुप ए ग्रुप सी का 18 से 19 जून का आपका इंटरव्यू होगा। ग्रुप बी 1 PM से 3 PM इंग्लिश ज्योग्राफी जियोलॉजी हॉर्टिकल्चर ये सब है 15 जून। फिर ग्रुप सी 10 AM से 12 AM मैथमेटिक्स हिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी नेपाली फिजिक्स है, उसका रिटर्न टेस्ट जो है 16 जून का है। एग्ज़ाम की बात करें 2 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा, 10 AM से चालू जाएगा आपका जो शेड्यूल टाइम दिए हिसाब से। सिलेबस की बात करें 50% रिसर्च मेटोलॉजी है एंड 50% सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, ये सिलेबस का होगा। और अगर इंटरव्यू में आपको लिया जाएगा, मेन फोकस आपको इंटरव्यू में रहेगा आपके रिसर्च इंटरेस्ट पे, और आपको अभी कंट्रीब्यूशन अभी एडिशनल न्यू लैंग्वेज न्यू नॉलेज के हिसाब से जो भी इंटरव्यू है प्रोस्पेक्टिव PhD का जो भी कुछ भी सब दिया हुआ है। और रही बात आपकी वेबसाइट, इस पर सब कुछ दिया जाएगा, रेगुलर अपडेट रहना है। अगर कैंडिडेट का जो है एडमिशन ले पाए तो उसके लिए अगर सीट खा लेगा तो उसको भी वो सीट मिल जाएगी। और रही बात 10% सीट्स आपके लिए रिजर्व है, ऐसे पूरा दिया हुआ। रही बात आपको बता रहे बट 10% सीट रिजर्व है, जो लोग कैंडिडेट मतलब 10% किसके रिजर्व, फॉरेन कैंडिडेट्स कौन से, अफगानिस्तान बांग्लादेश चाइना म्यांमार पाकिस्तान के जो भी है उनको जो स्टूडेंट वीजा फिटनेस सर्टिफिकेट मेडिकल ऑफिसर से लेना दिखाना पड़ेगा। और ये बात पूरा डिटेल ऐसे पूरा दिया हुआ है। अब पहले बोलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जो रिजर्वेशन कैटेगरी जो नॉब्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉब्स के हिसाब से फॉलो होगा। और डॉक्यूमेंट जो नेसेसरी फॉर वेरीफिकेशन, ओरिजिनल मार्कशीट अभी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, ओरिजिनल सर्टिफिकेट अभी ये सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, और ओरिजिनल SC ST OBC सर्टिफिकेट, ओरिजिनल UGC NET UGC CSI NET गेट और अदर नेशनल लेवल टेस्ट का वो सब मार्कशीट, और ओरिजिनल एनुअल इनकम फैमिली सर्टिफिकेट या फॉर सर्टिफाइड EWS कैंडिडेट के लिए। और ये बात करें कोई जो स्टूडेंट्स जो है कोई अदर यूनिवर्सिटी से किए मतलब सिक्किम यूनिवर्सिटी से नहीं किए उनको जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल देना पड़ेगा बाद October 30, 2023। अगर फेल हुए तो आपका एडमिशन कैंसिल जाएगा, फीस भी जो है रिफंड हो जाएगी जिसे नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। डिपार्टमेंट वाइज देखते हैं, जैसे कि आप बॉटनी में अप्लाई करें प्रोग्राम PhD है, सीट्स की बात करें 1 OBC का 1। अगर एक बार मिनिमम एलिजिबिलिटी की बात करें तो MSc MPHL एलाइड सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन होना चाहिए 55% है, 50% जो है 5% रिलैक्सेशन SC ST OBC के लिए। ब्रॉड एरिया स्पेशलाइजेशन की बात करें तो इकोलॉजी है, रिमार्क्स मतलब आपको क्या करना है इसके लिए आपको रिटर्न टेस्ट देना पड़ेगा फिर इंटरव्यू, और बाद में फिर आपका नाम आएगा सब एलिजिबल हो जाएगा PhD एडमिशन में। अभी चाइनीज़ का देखा जाए वैकेंसी तो नहीं डाला इन्होंने, और बूटिया का जो ऑन होल्ड है। कॉमर्स का भी सिर्फ 4 सीट्स हो गए, PhD प्रोग्राम अवेलेबल है, UR का 1, OBC का 1, SC का 1, EWS का 1। और एक बात MCOM और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन भी फॉरेन इंस्टीट्यूट या कहीं से भी 55% होना चाहिए,
और एक बार ब्रॉड एरिया स्पेशलाइजेशन की बात करें तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, बैंकिंग है, बिहेवियर है, ई कॉमर्स है। सेम रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू देना पड़ेगा। ये पूरा बाकी सब्जेक्ट का डिटेल दिया हुआ है यहाँ पर, ये देखिए पूरा डिटेल दिया हुआ है। अब फीस की बात करें, फीस कितना लेगा, क्या क्या स्ट्रक्चर पूरा दिया हुआ है। जैसे कि बॉटनी में अप्लाई करो 17,260 जो है पूरा आपका टोटल फीस है सब मिला के, एडमिशन का, मार्कशीट का, सर्टिफिकेट का, एग्जामिनेशन का, लाइब्रेरी का, सबका मिला के। अगर आप एवरी सेमेस्टर पेड करके देखा गया है, जैसे बॉटनी का 33,600 एवरी सेमेस्टर का, तो ट्यूशन फी है। फिर फीस फॉर हॉस्टल एकोमोडेशन की बात करें, हॉस्टल एडमिशन का सबका मिला के फर्स्ट और सेकंड बेड ले रहे तो 4,690, थर्ड बेडेड है 4,325, फोर से ज़्यादा बेडेड है 4,147। और स्टूडेंट्स को जो मेस फी पे करना पड़ेगा वो एग्रीड होगा किसके बीच में, यूनिवर्सिटी और कैटरर के बीच में। और एक बार जो भी फीस आपको पे करना है ऑनलाइन पे करना है। और एक बार ट्यूशन फीस की बात करें, आपको 50% रिलैक्स होगा SU एम्प्लॉयज़ के लिए और जो डिफेंडेबल उनके लिए। और रही बात एग्जामिनेशन इवेल्यूशन के बारे में दिया हुआ है, और आपका जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का मार्किंग सिस्टम रहेगा, जहाँ PhD कर एग्ज़ाम के हिसाब से, मतलब क्रेडिट और ग्रेडिंग के हिसाब से रहेगा। यह पूरा सब के बारे में दिया हुआ, लाइब्रेरी सब, यूनिवर्सिटी के बारे में पूरा आप देख सकते हैं। प्लेसमेंट, कम कोचिंग सेल का, स्कॉलरशिप, फेलोशिप के बारे में पूरा दिया हुआ है, फील्ड विजिट, इंटर्नशिप के बारे में भी पूरा डिटेल दिया हुआ है। ये सब पूरा था यूनिवर्सिटी सिक्किम के बारे में। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।